सीबीएसई स्कूलों में 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2017-18 से फिर से शुरू की जाएगी। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जयपुर में राज्य के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक के बाद ये जानकारी दी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं भी होगी, लेकिन इसका फैसला राज्य सरकारें लेंगी। इस बारे में प्रस्ताव पहले कैबिनेट में लाया जाएगा और बाद में संसद से कानून पास किया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार इस पर अंतिम फैसला लेंगी। वो चाहे तो परीक्षा लें और चाहे तो ना लें। आपको बता दें कि 2010 में जब कपिल सिब्बल देश के शिक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को वैकल्पिक बनाया था। इसके पीछे मकसद था कि बच्चों में बढ़ते तनाव को दूर करना। अभी जो व्यवस्था है उसमें साल भर के प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की ग्रेडिंग की जाती है, किसी को भी फेल नहीं किया जाता। सीबीएसई में सीधे 12वीं में ही बोर्ड परीक्षा होती है और बच्चों को नंबर देकर पास या फेल किया जाता है। लेकिन इस सिस्टम के आने के बाद शिकायतें मिलने लगी थी कि बच्चों में शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर गिर गया है। दिल्ली समेत ज्यादातर राज्यों ने भी 10वीं की बोर्ड परीक्षा को फिर से अनिवार्य करने की मांग की है। इसके बाद ही केंद्र सरकार अब नए बदलाव के लिए तैयार है। भले ही शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार पूर्व सरकार के फैसले को बदलने की कवायद में हो, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय राज्य सरकारों को ही लेना है। देखते रहिए डीबी लाइव।